हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको स्वागत है। हम जानेंगे दिल्ली मेरठ RRTS का लेटेस्ट अपडेट। तो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी, गाइस साहिबाबाद और दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच 12 किलोमीटर के सेक्शन पर रैपिड रेल का नवम्बर में ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में न्यू अशोक नगर नव भारत स्टेशन का काम लगभग पूरा होने वाला है। NCRTC के मुताबिक निर्माण का काम अब आखिरी स्टेज पर है और साहिबाबाद व न्यू अशोक नगर के बीच दोस्तों 12 किलोमीटर के सेक्शन के लिए नवंबर से ट्रायल रन शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों RRTS चालू होने के बाद इस स्टेशन से न्यू अशोक नगर और मेट साउथ RRTS स्टेशन की दूरी मात्र सिर्फ 35 से 40 मिनट में ही पूरी हो जाएगी। अब गाइस जानते हैं RRTS कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन में अभी तक कितना काम पूरा हुआ है। दोस्तों NCRTC कॉरिडोर की दिल्ली सेगमेंट में 9 किलोमीटर का एलिवेटेड बायडक्ट और 5 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सेक्शन आता है। एलिवेटेड बायडक्ट कंस्ट्रक्शन के पूरा होने के साथ ही अब ट्रैक जो बिछाने का काम है वो भी तेजी से पूरा हो रहा है। आपको बता दें गाइस कि सराय कालिका, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार जो स्टेशन है का 14 किलोमीटर का स्ट्रेच का काम अब लगभग पूरा होने वाला है। अब जानते हैं गाइस न्यू अशोक नगर नव भारत स्टेशन कैसा होगा, वो दिखने में कैसा होगा, वहां पर क्या क्या सुविधाएं होंगी। गाइस NCRTC ने बताया कि न्यू अशोक नगर स्टेशन की लंबाई करीब 215 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई जो होगी 30 मीटर है। बयान में आगे कहा गया है कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल का काम पूरा हो गया है और छत का काम भी तेजी से चल रहा है। ट्रैक बिछाने का काम भी न्यू अशोक नगर तक लगभग पूरा हो गया है। OHE और सिग्नल एक्टिविटीज का काम भी जारी है, यानी ऊपर जो तार लगाने का काम है और सिग्नल का काम वो भी जारी है। बता दें कि न्यू अशोक नगर नव भारत स्टेशन और मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट करने के लिए यानी इसे जोड़ने के लिए एक 90 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज यानी FOB का इस्तेमाल भी किया गया है। ये FOB यानी फुट ओवर ब्रिज मेट्रो स्टेशन को सीधे NCRTC स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल से कनेक्ट करेगा और यात्री आसानी से दोनों ट्रांसपोर्ट मोड का बिना स्टेशन परिसर से बाहर निकले इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए NCRTC पर 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर रही है। इस स्टेशन की एंट्री पर 550 से ज़्यादा 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। इसके अलावा स्टेशन पर अलग से पिकअप और ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे जिससे कैब और ऑटो बिना ट्रैफिक बाधित किए आसानी से सर्विस ऑफर कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।